अफगानिस्तान ने तो बिला वजह ही शेर के मुंह में हाथ डाल लिया, उन्होंने चीर पाड़ के रख देना इनको। कुछ चांसेस हैं अफगानिस्तान के 0.00 के जो इंडिया से T20 सीरीज 0% भी ज्यादा है। 0% भी ज्यादा है। ऐसे पड़ोसियों से पूछता हूँ, कुजली हो रही है? कुजली हो रही है या सूझ रही है? तो मछली पकड़ने वाली कुंडे से कुजाओ भाई, नाखून से नहीं कुजे। हेलो फ्रेंड, में होना 1 जनवरी 2011 को होने वाली T20 सीरीज में इंडिया और अफगानिस्तान आमने सामने होगा। इंडिया और अफगानिस्तान T20 सीरीज खेलेंगे, लेकिन 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 हमारी पड़ोसियों की जलेगी। क्या जल रहा है रे? जल रहा है? क्या जल रहा है? तेरा जल रहा है कुछ? नहीं, मुझे तो बदबू आ रही है। अरे भाई पड़ोसियों, ठीक से चेक करो। तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते? दोस्तों बात यह है कि जब भी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों भाई आपस में मिलते हैं, तब तब हमारी पड़ोसियों की जलती है। कैसे? हाँ? कैसे? जनवरी 11 को होने वाली T20 सीरीज में पाकिस्तान से रोने धोने की आवाज आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप इन्हें नंगा होते देखेंगे, आप देखना इनके पतलून में कैसी ढीली करते हैं। जब विराट कोहली खड़ा होगा ना, बिलीव करो इनके बॉलरों के ना पेंडे गिली हो जाएंगे। यार टांगे कांपेंगे, खुद कांपेंगे कि यार किंग कोहली खुद आया हुआ है। बिल्कुल, रोहित शर्मा की कैप्टनसी है। रोहित शर्मा देखे इनके इधर 50+ स्कोर वो करता, वो सेंचुरी के पीछे नहीं भागता। अफगानिस्तान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लड़के हैं, वो एक पाकिस्तान का मैच और आगे ऐसे डांस कर रहे जैसे वर्ल्ड कप जीत रहे। उसके बाद मैक्सवेल इनको उनकी औकात दिखा दी कि भाई नीचे ही रहो। दोबारा मौका मिलेगा इनको इंडिया के खिलाफ डांस करने का? नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। वो इरफान पठान भी अकेले ही डांस करेगा। वो कहेगा कि नहीं भाई अब मेरा नाच देखो। राशिद खान और अफगानिस्तान की टीम का कैप्टन, इब्राहिम जदरान और साथ में कोच जोनाथन, सब काफी ज्यादा खुश हैं और फैंस भी काफी ज्यादा खुश हैं, हम भी काफी ज्यादा खुश हैं। हिंदुस्तान के साथ जो है सीरीज है, 3 मैचेस हैं T20 के, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बेसब्री से इंतज़ार है। राशिद खान ने भी यही कहा है कि हम अभी इस टाइम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के साथ हमारे 3 मैचेस हैं, T20 के सीरीज़ है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, दुआएं कीजिए। देखें भाई, हर कोई यही दिल में तो वही होता है हर टीम का कि भाई हम जीतेंगे, लेकिन ये तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक चीज़ होती है कि यार ये मैच मैं खेल रहा हूँ तो हम जीत जाए। लेकिन सच बात तो यह है, हमारे दिल की बात तो यह है, सिर्फ हम नहीं, हो सकता है हिंदुस्तान, हो सकता नहीं, बिल्कुल हकीकत हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भी यही है कि मैच कोई भी जीते, इन दो टीमों का जब मैच होता है ना, हम बस यहाँ पे सिर्फ मज़े लेने के लिए मैच देखते हैं। बड़ा सुकून वाला मैच होता है, बड़े प्यारे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। और सच बात तो यह है कि हिंदुस्तान से दोस्तों 45% लोग यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान जीते। ये खुद हिंदुस्तान की टीम जब अफगानिस्तान के साथ खेलती है तो वहां से बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जानता हूं जो अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं। तो वर्ल्ड कप में ये बड़ा डांस करते थे, आप लगता है इनको डांस करने का मौका मिलेगा? मैं कहता हूं ये जो इरफान पठान साहब भी ये डांस करते थे ना अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के, ठीक है ना, अब मैं कहूंगा इरफान पठान को कहूंगा कि अफगानिस्तान आई है, ठीक है ना, अब अफगानिस्तान कोई भी मैच जीत जाए तू डांस करके दिखा, मैं तुझे मान जाऊंगा, ठीक है ना, तेरे बाप के साथ मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल, ठीक है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी टीम को ना इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जिस तरह के इरफान पठान ने किया था हर प्लेयर, ठीक है ना। जो भी था, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मैच खेला, ठीक है ना, बीट किया, जीता, जो भी था, ठीक है ना, वेल प्लेड किया था, ठीक है ना, बट इस तरह अगले को इतना डिग्रेडिंग करना चाहिए जिस तरह इरफान पठान ने किया था। अब इंडिया के साथ मैच हो रहा है, मैं कहूँगा इरफान पठान को कि अब इंडिया के साथ कोई मैच हारेगा ना तो फिर ये करके दिखाएगा, कभी भी नहीं करेगा। बट दूसरे नंबर पर बात यह है कि यार अफगानिस्तान ने तो बिला वजह ही शेर के मुंह में हाथ डाल लिया, उन्होंने चीर पाड़ के रख देना इनको। कुछ चांसेस हैं अफगानिस्तान के 0.00 के जो इंडिया से T20 सीरीज 0% भी ज्यादा है। 0% भी ज्यादा है, ज्यादा है, कोई चांसेस नहीं है। क्या लगता है कि जैसे इंडिया की टीम है कितना जो है वो टारगेट इंडिया देने के कैपेबल है? यार इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करता है ना 200+ 250+ तो वो ऑस्ट्रेलिया को देते रहे, साउथ अफ्रीका को देते रहे, तो ये तो मेरा भी बच्चे। यार अफगानिस्तान का मैक्सवेल ने अकेले ने हाल बुरा किया था ना, ठीक है, इंडिया टीम ने ना 250, 300 इतना टारगेट देगा तो अफगानिस्तान ने कहना कि यार ऐसा डाक हो की गया 30-50-60 पे टेट अफगानिस्तान, ये हाल होने वाला। अच्छा, जैसे इंडिया की बॉलिंग है सारे उन्होंने
बी प्लेयर्स खिलाए हुए हैं, कोई उन्होंने सीनियर डाला के खिलाए नहीं है। अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, ये सारे यंग टैलेंट है, तो लगता है कि इनको 100-150 के अंदर अंदर आउट कर लेंगे। यार 100-150 के अंदर नहीं, मैं कहता हूँ नीचे ही आउट करेंगे। अच्छा। यार बहुत बड़ा, अगर मैं उनको ना बी टीम के प्लेयर नहीं कहता, वो ए टीम के प्लेयर है। जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके इतनी अच्छी उमदा बॉलिंग, उमदा बैटिंग, ईच एंड एवरीथिंग अपना इतना अच्छा मुजाहरा किया ना, यकीन माने कि बहुत खुश हुए हैं कि यार ये टीम, वाकई ये टीम इंडिया टीम वो बन गई हुई है कि अब इंडिया टीम रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जब तक इनके पास कोई आईसीसी का इवेंट का कोई भी ट्रॉफी नहीं ना आती, इन्होंने रुकना नहीं, चैन नहीं आना, इन्होंने चैन लेना भी नहीं है और चैन लेने देना भी नहीं है। इन्होंने इतना पिछाड़ना हर टीम को, हर घर में जाके इनको पिछाड़ पिछूड़ के आना। पहले तो घर में पिछाड़ते थे, अब जाके घरों में पिछाड़ रहे हैं। अब मैं वही ना कह रहा हूँ, पहले अपने घर में कहते थे ना, अपने घर में शेर होते हैं। अफ्रीका में जाके देखा ना, उन्होंने बताया शेर नहीं बफर शेर है। आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये सीरीज से पहले इतनी सारी वीडियो पठान भाई क्यों बना रहा है हिंदुस्तान वर्सेज अफगानिस्तान की सीरीज पर? देखिए भाई, हमारी ये हर एक वीडियो पड़ोसी देश के ऊपर एक एटम बम है। इतनी जलन होती है इन लोगों को अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सीरीज देखकर, या फैंस के बीच में प्यार देखकर, या प्लेयर्स के बीच में प्यार देखकर, इससे ज़्यादा जलन आप जाके कुछ भी कर दें पड़ोसियों का, इतनी जलन इतनी नहीं सूझेगी जितनी ये वीडियो देख के इनकी सूझती है। और इनको बुरा लगता है कि भाई ये लोग आखिर में इतना नज़दीक कैसे हो गए। तो मैं ऐसे पड़ोसियों से पूछता हूँ, खुजली हो रही है? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया पहुँच चुकी है। जनवरी 11 को पहला T20 मैच खेला जाएगा मोहाली में, जनवरी 14 को दूसरा T20 मैच खेला जाएगा इंदौर में, और आखिरी मैच खेला जाएगा जनवरी 17 को बेंगलुरु में। चाहे इंडिया जीते या अफगानिस्तान जीते, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, लेकिन T20 सीरीज में बहुत मज़ा आएगा। इंडियन क्रिकेट टीम में T20 में रोहित और कोहली की वापसी, इंडियन क्रिकेट टीम और भी मजबूत हो गई है, और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड क्लास स्पिनर भी है। खेल देखने में बहुत मज़ा आएगा।